खबर आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां जनता दरबार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में पहुंचे शिकायतकर्ता, इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं शिकायतों का निपटारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया। आम जनता की समस्या सीएम मनोहर लाल सुन रहे हैं और वही कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ अतिरिक्त प्रधान सचिव, राजनीतिक सचिव समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद नजर आए। तो फरीदाबाद से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान कई बड़े लोग मौजूद नजर आए। वहीं जनता दरबार में शिकायतकर्ता पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। आम जनता की समस्या सुन सीएम मनोहर लाल उनकी समस्याएं भी सुनकर निपटारा कर रहे हैं। तो फरीदाबाद से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जनता दरबार में शिकायतकर्ता पहुंचे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। इसके साथ ही आम जनता की समस्याएं सीएम मनोहर लाल सुन रहे हैं और वहीं कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ अतिरिक्त प्रधान सचिव, राजनीतिक सचिव समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मौजूद नजर आए। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रीजनल हेड राजकुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। राजकुमार, सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, तो इस पहले तो आप पूरी जानकारी बताएं। जी काजल, मैं बताना चाहूंगा कि जो आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आज हरियाणा के फरीदाबाद में जनसभा के दौरान पहुंचे हैं और वहां पर जनता की समस्याएं सुनने के लिए वहां पर आए हैं, और जनता दरबार भी इसी उपलक्ष में लगाया जा रहा है ताकि जनता जो है अपनी समस्याओं को सीएम के आगे रख सके। और सीएम भी यही कहना चाहते हैं, जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो भी जनता की समस्या को सुनने के लिए स्पेशल बल्कि वहां पर अपनी टीम गठित के साथ वहां पहुंचे हैं, क्योंकि जनता में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, उनके कार्य हैं जो कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत गलतियां हैं, या कहीं प्रशासन की मान लीजिए कोई दिक्कतें हैं, या जनता को संतुष्टि नहीं हो रहा है। हालांकि हरियाणा की सरकार है, उसके बावजूद भी जनता में रोष भी है। उन अपनी समस्याओं को लेकर आज जनता दरबार लगाया गया और सीएम ने यह फैसला लिया कि मैं स्वयं ही जाकर वहां पर जनता की जो भी समस्या उनका खुद सुनूंगा और उनका खुद ही निवारण भी करूंगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एचएसवी कनेक्शन सेंटर के में जो जनता दरबार लगाकर जनता की सुनवाई भी कर रहे हैं, और मुख्य इसी बीच में जो हमारे सीएम है मनोहर लाल जी, वो भी इसके अलावा जो अन्य नेता हैं, अन्य मुख्यमंत्री हैं, वहां पर भी पहुंचे हैं, जैसे कि अमित अग्रवाल मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव, अजय गोड समेत अलग अलग जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वहां पहुंचे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा काजल कि जनता की समस्या का निवारण करने के लिए ही वहां पर आज ये सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं, और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पूर्ण रूप से वहां पर व्यवस्था भी है। हालांकि जगह जगह पे पुलिस भी खड़ी है, और भी जनता की जो भी समस्याएं हैं पूरा प्रशासन जहां भी है पूरा वहां पर मौजूद है, और प्रशासन के बीच में वहां पर जनता पूर्ण रूप से आई हुई है और जनता के आगे अपनी सारी समस्या रखने के लिए, सीएम के पास सभी बातें रखने के लिए वहां तैयार है। जी बिल्कुल राजकुमार, आप बताएं कि शिकायतकर्ता किस तरह की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं सीएम के पास। जी मैंने काजल ये बताया कि आपको कि जो जनता की समस्या है वही वहां पर पहुंचे हैं, और सीएम साहब ने खुद, क्योंकि कुछ समय पहले भी एक जैसे कि गुरुग्राम नजदीक लगता है क्राइम के मामले में लगातार तेजी बढ़ रही है, फरीदाबाद में भी लगातार सड़कें हैं, लोगों की किसानों की फसलें हैं, क्राइम है, डेली लूट है, हत्याएं हैं, बहुत ऐसे ऐसे वारदातें हो रही हैं। हालांकि सीएम मनोहर लाल जी ने यही बोला कि इतनी आखिर क्राइम क्यों इतना बढ़ रहा है, जनता में इतना रोष क्यों है,
इसको देखते हुए ही वहां पर पूरा जनता दरबार लगाया गया है। जी बिल्कुल, ऐसी क्या समस्या, ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी कि सीएम वहां पर जाकर खुद जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं? में ही अगर हम बात करें तो पूरे हरियाणा में ही क्राइम जो है तेजी से बढ़ रहा है। कहीं पर भी आपने अभी कुछ दिन समय पहले भी देखा होगा, हरियाणा में लगातार क्राइम जो है तेजी से बढ़ रहा है। कहीं पर चैन स्नैचिंग हो रही है, कहीं पर मर्डर हो रहा है, कहीं पर बैंक को लूटा जा रहा है, कहीं पर फिरौती की मांग की जा रही है, कहीं पर किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं पर माँ बहन बेटियों की इज्जतें तक दांव पे लग जा रही है। तो ये सब जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और ये सरकार के लिए भी बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचने वाली बात हो गई है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हालांकि पंचायत चुनाव भी शुरू हो चुके हैं, चुनाव में भी कोई दिक्कतें परेशानी ना खड़ी हो, चुनाव चुनाव भी अगर देखा जाए सीएम के लिए तो चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जनता जो है इसी अपनी समस्याओं कहीं ना कहीं जनता में भी रोष है और जनता ने स्वयं फैसला लिया कि आज हम पीएम मनोहर लाल जी आए हैं और आज हम अपनी समस्याएं उनके आगे रखेंगे। हालांकि अंबाला के जो गृह मंत्री हैं, पूरे हरियाणा के गृह मंत्री जो अनिल विज हैं, वो भी एक जनता दरबार लगाते हैं और अभी 3 दिन पहले ही एक अधिकारी को सस्पेंड तक कर दिया क्योंकि एक आम महिला शिकायत लेकर गई थी एक अधिकारी के पास, उन्होंने उनको शिकायत को अनदेखा कर दिया और अनदेखा करने के बाद जैसे ही वो उन्होंने शिकायत गृह मंत्री अनिल विज को डाला, तुरंत उन्होंने उसको तत्काल से उनके कार्यभार से उनको बिल्कुल निकाल दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे ही फरीदाबाद में भी हो रहा है कि जनता की समस्या है तो कहीं ना कहीं जनता में रोष भी है, दुख भी है। जो आज सीएम मनोहर लाल खट्टर जो फरीदाबाद पहुंचे हैं, जो जनता की समस्या सुनने के लिए वहां पर पूर्ण रूप से तत्पर तैयार हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो फरीदाबाद से खबर आप देख रहे हैं जहां पर सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में जनता दरबार का आयोजन किया गया और इसके साथ ही जनता दरबार में शिकायतकर्ता पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं, इसी के साथ जनता दरबार का आयोजन किया गया।